अब तक टाइगर्स तो बहुत देखे हैं वाइल्ड में, लेकिन टाइगर्स को मेटिंग करते हुए देखने का ये पहला मौका है हमारा। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए जंगल सफारी एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। अपने इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के लिए हम जा रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अपने होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल गए अपनी फर्स्ट सफारी पर। बांधवगढ़ में तीन कोर जोन है, ताला, मगदी और खेतौली। अपनी इस सफारी ट्रिप में हम जा रहे हैं खेतौली जोन में। खेतौली जोन के एंट्री गेट का नजारा अलग ही लग रहा है। लाइन से खड़ी हुई है इतनी जिप्सीज, सब रेडी है बांधवगढ़ के शानदार जंगल और यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। बांधवगढ़ अपने टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ टाइगर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया के अनुपात में टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ टाइगर साइटिंग बहुत होती है और इसलिए यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। अपनी सफारी स्टार्ट करते हुए हम भी एंटर कर चुके हैं खेतौली जोन के इस खूबसूरत जंगल में। टाइगर साइटिंग के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। थोड़ा आगे जाते ही खबर मिल गई है कि टाइगर साइटिंग हो रही है लेक के पास। हमें कोर एरिया में एक गाय आराम से घूमती हुई दिखी। अगर ये ऐसे ही घूमती रही तो ये पक्का शिकार बन जाएगी टाइगर्स की, जो पास में ही है। टाइगर्स को देखने के लिए हम लेक साइड लोकेशन पर आ गए हैं। यहाँ तालाब में बैठे हुए हैं दो टाइगर्स। ये दोनों टाइगर्स मीटिंग के लिए साथ में हैं। ये 3 दिन की मीटिंग चला था। गाइड ने बताया कि इन दोनों टाइगर्स की मीटिंग पिछले 3 दिन से चल रही है। मेल टाइगर का नाम बजरंग है और फीमेल का नाम है रा। फीमेल के फोरहेड पर हिंदी के रा अक्षर का निशान है, जिसके कारण इसका नाम रा रख दिया यहाँ के लोगों ने। वाइल्ड में टाइगर्स तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये पहला मौका है टाइगर्स को मीटिंग करते हुए देखने का। मेल की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि मीटिंग थोड़ी देर पहले ही हुई है और वो रेस्ट करने के मूड में है। शायद टाइगर को मक्खियां परेशान कर रही हैं। आगे लगा, आगे लगा, आगे। कहाँ बोलूँ? ये सामने।
दोनों टाइगर्स तालाब से निकलकर बाहर की ओर आ रहे हैं। पूरे रोड में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो इनके रोड में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। दोनों के बीच में एक मीटिंग अटेम्प्ट हुआ है। अभी हमने जो लाउड रोड सुना है उसको सुनकर ऐसा लग सकता है कि टाइगर्स लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये लड़ाई नहीं होती। मीटिंग के टाइम पे टाइगर्स के बीच में मॉक एग्रेशन और लाउड रोड्स देखने को मिलता है। अभी मीटिंग करने के बाद मेल टाइगर आगे जाकर घास में बैठ गया है। टाइग्रेस भी थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मेल के पास जाकर बैठ गई है। टाइगर्स की मीटिंग कुछ सेकंड्स के लिए होती है और दिन में ये कई बार मीटिंग करते हैं, जैसा हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये मीटिंग लगभग 4-5 दिन तक चलती है। मीटिंग अभी हुई है तो चांसेस है कि दोनों अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। जब तक ये रेस्ट करते हैं तब तक हम बाकी जंगल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। जंगल को एक्सप्लोर करते हुए हमें एक वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर देखने को मिला। वाइल्ड बोर को देखकर आगे बढ़े तो थोड़ी दूर पे टाइगर के पग मार्क्स दिखे। टाइगर यहाँ बैठा हुआ था और वो यहाँ से आगे निकला है। हम पग मार्क्स को ट्रैक करते हुए एक वाटर होल की तरफ पहुंचे। यहाँ भी टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स हैं और मिट्टी गीली है। टाइगर वाटर होल से निकलकर यहाँ से वॉक करता हुआ गया है। हम कुछ देर से यहाँ वेट कर रहे हैं ताकि कोई अलार्म कॉल या टाइगर का कोई क्लू मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़्यादा वेट करने का कोई पॉइंट लगा नहीं, इसलिए हम आगे निकल गए। ऐसे चट्टान पे कोई टाइगर या लेपर्ड बैठा हुआ दिख जाए तो सच में मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन ऐसी साइटिंग बहुत किस्मत से ही होती है। हमारे गाइड ने 2 बार टाइगर्स को इस चट्टान पे बैठे हुए देखा है। आगे बढ़ते हुए एक सांबर डियर पानी पीते हुए देखा। क्या आप जानते हैं कि सांबर डियर टाइगर का फेवरेट शिकार होता है, और वो इसलिए कि चीतल के मुकाबले सांबर डियर को मारना ज्यादा इजी होता है टाइगर के लिए, और अगर सांबर डियर का शिकार करता है कोई टाइगर तो वो आराम से उसको 4-5 दिन तक खा सकता है। पक्षियों की आवाज ने इस पूरे बैकग्राउंड को एक म्यूजिकल स्टेज बना दिया है। बहुत ही शांत फीलिंग आ रही है इस लोकेशन पर। समय का अभाव ना हो तो 1-2 घंटे यहाँ आराम से बिताए जा सकते हैं इस म्यूजिक को सुनते हुए। नए सीजन में नए एंटलर्स के साथ
ये मेल स्पॉटेड डियर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जिस तरह से ये हमें देख रहा है उससे लग रहा है कि ये भी अपना फोटोशूट करवाने में इंटरेस्टेड है। हम अब वापस लौट रहे हैं मेटिंग टाइगर्स को देखने के लिए। यहाँ एक सांबर डियर घूम रहा है, मतलब टाइगर का ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। चलिए चेक करते हैं कि टाइगर्स वहाँ पर हैं या नहीं। सभी गाड़ी यहीं पर हैं, मतलब टाइगर्स भी यहीं पर बैठे हुए हैं। टाइगर अभी भी घास में ही बैठे हैं। सामने घास में टाइगर की पूंछ हिलते हुए दिख रही है। निकली रोड में टाइग्रेस उठकर इधर उधर घूम रही है, शायद एक और मीटिंग अटेम्प्ट होने वाला है। एक और मीटिंग अटेम्प्ट हुआ इन दोनों के बीच। मीटिंग के बाद टाइगर्स आगे जाकर बैठ गई है। टाइग्रेस फिर से उठकर मेल के पास जा रही है। ऐसे काफी मीटिंग अटेम्प्ट होने वाले हैं टाइगर्स के बीच में, लेकिन टाइम हो गया है तो हमें वापस निकलना पड़ेगा। आज की ये सफारी बहुत ही शानदार थी। पहली बार हमने टाइगर्स को मीटिंग करते हुए देखा है। इन टाइगर्स को देखने के लिए हम फिर से इसी जोन में सफारी करने वाले हैं। देखते हैं कि अपनी अगली सफारी में हम फिर से इन टाइगर्स को देख पाएंगे कि नहीं। हमें ये भी देखना है कि वो गाय जिसे हमने सफारी के स्टार्टिंग में देखा था, क्या वो जिंदा बच पाएगी। उम्मीद है आपने इस वाइल्ड लाइफ सफारी को इंजॉय किया होगा। बांधवगढ़ के खेतौली जोन की अगले दिन की सफारी एक्सपीरियंस के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल फॉरेस्ट निंजा से।